पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जनरल बाजवा के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को नई सरकार के चुने जाने तक सेवा विस्तार का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर के अंत तक मौजूदा जनरल बाजवा का नियुक्ति से पहले नए सेना प्रमुख को चुनने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए इमरान ने कहा कि महज 85 सीट हासिल करने वाले भगोड़ा कैसे नए सेना प्रमुख को नियुक्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के पंजाब भाग के फैसलाबाद में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार निष्पक्ष चुनाव से डरती है और नए सेना प्रमुख की नियुक्ति तक चुनाव में देर कर रही है। इसके साथ ही इमरान खान ने आरोप लगाया कि जद्दारी और नवाज अपने चेहरे को अगले सेना प्रमुख के रूप में लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा चुराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि जब देशभक्त सेना प्रमुख आएगा तो वह उनसे उनकी लूट के बारे में पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।